नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम JVN डॉक्टर अनामिका अहरवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे आई एम गोइंग टू टेक द लेक्चर ऑन द टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ MIS। द क्वेश्चन इज व्हाट इज MIS? MIS क्या होता है? मैंने ये बताया क्या है, मैं एप्लीकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। MIS ऑलरेडी मैं पहले जो पुराने वीडियोस हैं उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमें इंफॉर्मेशन को हम क्या करें, मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो MIS इज़ ए ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम होता है विच इज़ बेसिकली डिजाइन टू टीच हाउ टू मैनेज टेक्निकल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे कि टेक्निकल प्रोजेक्ट्स को कैसे हम मैनेज करेंगे एंड टीम विच इज़ यूजिंग द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर टूल, और वो जो जितने भी हमारी टीम है वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर टूल्स यूज़ करेंगी, ठीक है। IT एंड बिजनेस नॉलेज स्किल्स, पीपल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, कम्युनिकेशन स्किल्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें। अब MIS क्या है? MIS इज़ अ ब्लेंड ऑफ टेक्निकल रिसोर्सेज, ठीक है, विच इज मैनेजमेंट कोर्सेज एंड सॉफ्टवेयर टूल्स यूज टू मैनेज टेक्निकल टीम्स एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। तो इसमें क्या दोनों चीज़ें होती हैं, टेक्निकल मैनेजमेंट कोर्सेज भी होंगे, सॉफ्टवेयर टूल्स भी होंगे, जो कि क्या मैनेज करेंगे, टेक्निकल टीम्स को, प्रोग्राम्स को। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक पे MIS एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब क्या हो गया, कहाँ कहाँ पे वो चीज़, उस चीज़ को हम अप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो जो मोस्ट पॉपुलर एरिया स्पेशलाइजेशन है इन मैनेजमेंट में, इंफॉर्मेशन सिस्टम में, दैट इज़ MIS फील्ड आर हमारा डिजिटल बिजनेस सिस्टम हो गया, डेटा माइनिंग हो गया, बिजनेस इंटेलिजेंस हो गया, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो गया, ERP हो गया, CRM हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं कि डिजिटल बिजनेस सिस्टम की। डिजिटल बिजनेस सिस्टम में क्या हो गया, आजकल जितने भी बिजनेस सिस्टम है हमारे सारे क्या डिजिटली हो गए। डिजिटली मींस क्या होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है या कोई भी चीज़ मुझे सर्च करनी पड़ती है, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग इज़ बेसिकली व्हाट, उसमें हम क्या करते हैं कि वो चीज़ हम वहाँ पे, जो हमारा कस्टमर है, क्लाइंट है, वो सारी चीज़ें सर्च कर लेता है और वो चीज़ें कैसे होंगी वो वहाँ पर ये सारी चीज़ देखता है, ठीक है। अब ये वाली चीज़ में डिजिटल हो गया, मीन्स आपको ट्रांजैक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी के थ्रू भी हम उसको ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी तो हुई, मीन्स यूज़र को, जो कस्टमर है हमारा, क्लाइंट है, उसे कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं। अगर मीटिंग भी हो रही है, अभी भी क्या हुआ, आप घर बैठ के हमारी क्लासेस ले रहे हो, तो क्लासेस ले रहे हो, अगर आपने इवन एडमिशन भी कराया है, एडमिशन भी हमारा क्या हो गया कि वो डिजिटली हो गया। तो मीन्स आपने ऑनलाइन आपने प्रोसेसिंग की होगी, आपने ये सारी चीज़ें की होंगी, वो सारी चीज़ें कैसे हुई है, दैट इज़ ऑल द डिजिटल फॉर्म, ठीक है। अब हम आते हैं डेटा माइनिंग पे। डेटा माइनिंग में क्या हो गया, डेटा माइनिंग इज़ बेसिकली व्हाट, फाइंडिंग हिडन इन्फॉर्मेशन। अब हिडन इन्फॉर्मेशन से क्या हो गया, मेरे पास डेटाबेस तो था ही, उसमें मेरे को क्या करना है, एज़ पर द रिक्वायरमेंट, जो मुझे इंफॉर्मेशन ले ली, जो नॉलेज विच इज़ रिक्वायर्ड एट दैट टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क, जो मैं पर्टिकुलर टास्क करने जा रही हूँ, उस समय एक्सट्रैक्शन ऑफ दैट नॉलेज, एक्सट्रैक्शन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इज बेसिकली, ठीक है। तो मैं वहाँ पे उसको करूँगी। तो ये डेटा माइनिंग, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। माइनिंग से सिंपल, जैसे कोल माइनिंग हमने सुनी होगी, डायमंड की माइनिंग सुनी, मीन्स एक खान होती है, मुझे वहाँ से वो चीज़ निकाल के लानी है, तो वो यहाँ पे चीज़ होगी, ठीक है। अब क्या हो गया, बिजनेस इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करती हूँ, बिजनेस इंटेलिजेंस में क्या होगा, बिजनेस करने के लिए टैक्स चाहिए रहेंगे, पेशेंस चाहिए रहेगा, कुछ स्टैटिस्टिक्स भी हमें उस कैलकुलेशन के ज़रूरी होती है कि इन सब चीज़ों, एक स्ट्रैटेजी होती है, उसको मुझे फॉलोअप करना पड़ता है। तो वहाँ पर मेरा एक इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आया। इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट में क्या हो गया कि वो चीज़ वहाँ पर कैसे हो रही है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम की हम बात करते हैं। इस सिस्टम में क्या हो गया कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में भी MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे यूज़ हो रहा है, वहाँ पे मेरे पास इंफॉर्मेशन तो है सिस्टम के अंदर एक, अब उसमें उसमें मैनेज करना है, मैनेज मीन्स क्या, अब सिक्योरिटी रीजन से होगा, बहुत सारे चीज़ आप फॉर्म्स अप्लाई करते हो, अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल देते हो, डेबिट कार्ड की डिटेल देते हो, नेट बैंकिंग करते हो, आपकी IRCTC साइट में आप रिजर्वेशन कराते हो, ऑल दीज थिंग, तो यही यहाँ पे
आपका जो डेटा होगा वो कहाँ पे होगा, हमारा सेव होकर कहीं हमने रख रखा होगा। अब जब डेटा मैंने सेव करके रख रखा है तो क्या हो रहा होगा वहाँ पे कि उसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ हम ऐसे प्रोवाइड से, तो कोई भी चीज़ आपको वो ले लेगा, कोई भी चीज़ ले के क्या हो जाएगा कि वो आपकी चीज़ हैक कर लेगा, वो अपने गलत इंटेंशन से भी उसको क्या इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ सिक्योरिटी सिस्टम मुझे रखना होगा कि जैसे आप कॉलेज में एडमिशन, तो ऐसे नहीं कोई भी आपके बोलेगा कि इस फैकल्टी का नंबर देना, इस स्टूडेंट का नंबर देना। मैनेजमेंट के पास कॉलेज में स्कूल में सारा डेटा होता है एम्प्लॉइज़ का, अपने स्टूडेंट्स का। बट अगर कोई स्टूडेंट, कोई बाहर वाला बंदा आके मांगेगा तो पहले तो ये पूछा जाएगा भैया क्यों चाहिए, हो आ रही हूँ, पहले तो आप बताइए हो कौन, प्रूफ करो कि आप ये क्यों, क्या काम है आपको, नंबर किस लिए चाहिए, तो ऐसे वो चीज़ नहीं शेयर कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं ERP। इसमें क्या रिसोर्स वाली बात हो जाती है, तो इसमें एंटरप्राइज रिसोर्स प्लान में क्या हो जाता है कि एक प्लान बनाना पड़ता है रिसोर्स में, जितनी चीज़ें हो रही होती हैं बड़े लेवल पे, मींस कौन कौन से रिसोर्सेज वो चीज़ कर रहे होंगे, यूज़ कर रहे होंगे, वो सारी चीज़ें हमारी उसमें आ जाएंगी। ऐसे CRM जो क्लाइंट का रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया कि उसमें जितने भी क्लाइंट्स के रिसोर्सेज होंगे वो कौन कौन से चीज़ यूज़ कर रहे होंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी यही हो जाएगा कि वो उसको कैसे मैनेज कर रहे होंगे। ठीक है, ये हमारा, तो दीज ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहाँ पे हम इस जो हमारी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन तो है बट एक सिस्टम भी ऐसा होना चाहिए कि वो सिस्टम आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको बेटर तरीके से, उसको इफ़िशेंटली यूज़ कर पाए। कभी कभी हमारे पास चीज़ें होती हैं बट हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पे चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन, एंड दिस डिजिटल सेशन इज़ पावर्ड बाय डिजिटल 2.0 ज्योति विद्यापीठ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जयपुर। होप यू आर सेटिस्फाइड विथ माई डिजिटल सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट। थैंक यू।